26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। हम लोग चाहेंगे हमारे नेता जो है वो सर्वोच्च स्थान पर हो। मेरे नेता को भी हम लोग मुख्यमंत्री बनता हुआ जरूर देखना चाहते हैं। चाचा शहर बन्नी स्थापना दिवस मनाने नहीं गए, उनके जो पुत्र हैं उनको लॉन्च करने के लिए गए। पुत्र को लॉन्च करने जी, तो इसलिए उनकी तैयारी आगामी विधानसभा को देखते हुए वहाँ पर जाकर उनको लॉन्च करने की है। वो अलौली से चाहते हैं कि पुत्र को चुनाव लड़ाए। इस बार सांसद राजेश वर्मा हमारे साथ हैं। सर, आज स्थापना दिवस है, 24वां स्थापना दिवस मना रहे हैं? नहीं, ये हम लोग सब के लिए, पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी सब के लिए आज एक उत्साह का दिन है, खुशी का दिन है, क्योंकि पार्टी टूटने के बाद जहां पार्टी टूटी, परिवार टूटा, घर छूटा, कार्यालय छूटा, और उस विपरीत परिस्थिति में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो संघर्ष हैं, उस संघर्ष ने सभी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों का जो संघर्ष है उसने धीरे धीरे ना केवल पार्टी को वापस से मजबूत किया, बल्कि आज वापस से हम लोग अपने पार्टी के स्थापना दिवस को शरदीय रामविलास पासवान जी ने जो जिस कार्यालय की नींव पटना में रखी थी उसी कार्यालय में आज हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं। तो ये हम सब के लिए एक सुखद दिन है, दोहरी खुशी है। ये कार्यालय आपको वापस मिल गया और दूसरा स्थापना दिवस भी है। नहीं बिल्कुल, ये हम लोग के लिए सबसे सुखद पल है और कहीं ना कहीं एक भावुक क्षण है कि जिस कार्यालय की नींव हमारे संस्थापक ने रखी थी आज उस कार्यालय में हम लोग उनको याद करते हुए और स्थापना दिवस मना रहे हैं। और आप देख सकते हैं पूरे बिहार से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी के सभी हमारे जो पदाधिकारी कार्यकर्ता और साथी हैं वो सब आज यहाँ मौजूद हैं। सबके अंदर उत्साह का माहौल है। आगामी विधानसभा का चुनाव भी है, इसको लेकर क्या रणनीति आज के दिन कार्यकर्ताओं को कुछ दिया जाए? पार्टी 243 सीटों पर जब पार्टी टूटी उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने पूरे बिहार का दौरा किया था और पूरे बिहार में संगठन को वापस से मजबूत करने का काम किया था। 243 सीटों पर पार्टी अपनी तैयारी बहुत मजबूती के साथ कर रही है और एनडीए घटक दल का हिस्सा होने के नाते जो एनडीए घटक दल के जो वरिष्ठ नेता हैं जितनी सीटें वो लोग मिलकर तय करेंगे मुझे लगता है कि पार्टी उन तमाम सीटों के लिए जिस तरीके से लोकसभा में अपना 100% दी है, विधानसभा झारखंड में अपना 100% दी है, ठीक उसी तरीके से आगामी विधानसभा में भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 100% अपना परिणाम देगी। विधानसभा का सत्र चल रहा है, तेजस्वी यादव आरक्षण के मुद्दे को और फिर उठा रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि ये मुद्दा विपक्ष को उठाना चाहिए, लेकिन मुद्दे वो उठें जो मुद्दे कहीं ना कहीं जनहित का हो, जो मुद्दा जिस मुद्दे से कोई ना कोई विकास की हम लोग नींव रख सके, और बाकी ऐसे मुद्दे कि भैया हम किसी जाति विशेष या समाज को सिर्फ खुश करने के लिए कोई मुद्दा हम उठा दें तो मुझे लगता है कि हर मुद्दे को उठाने के पीछे एक आधार होना चाहिए, आधारहीन मुद्दे नहीं उठाने चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा, एक आपको भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं कि आप चाहते हैं कि 25 में आपके नेता मुख्यमंत्री बने बिहार? हर एक पार्टी का जितना कार्यकर्ता आज पूरे बिहार से यहाँ मौजूद है, हर नेता चाहेगा, हर पदाधिकारी और कार्यकर्ता चाहेगा कि मेरे नेता जो हैं वो सर्वोच्च स्थान पर रहे। हर पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो राजद हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो लोजपा हो, तो बिल्कुल हम लोग की भी चाहत है कि हमारे नेता ने जिस तरीके से विपरीत परिस्थिति को अनुकूल परिस्थिति में तब्दील किया है, जिस तरीके से ना केवल बिहार बल्कि देश भर में युवाओं के बीच में उनकी एक लोकप्रियता है, जो नेता किसी जात पात धर्म मजहब में अपने को समेटे हुए नहीं है, जिसका MY समीकरण महिला और युवा है, तो उस नेता की जब लोकप्रियता ऐसी है तो मुझे लगता है कि आगामी आने वाले वक्त में बिल्कुल हम लोग चाहेंगे कि हमारे नेता जो हैं वो सर्वोच्च स्थान पर हो। मेरे नेता को भी हम लोग मुख्यमंत्री बनता हुआ ज़रूर देखना चाहते हैं। चाचा पारस भी शहर बन्नी में आज कार्यक्रम रखे हुए हैं, इंडिए के कई नेताओं को उन्होंने न्योता दिया, यानी आप दोनों आप पटना में, चाचा शहर बन्नी में? नहीं, चाचा शहर बन्नी स्थापना दिवस मनाने नहीं गए हैं, उनके जो पुत्र हैं उनको लॉन्च करने के लिए गए हैं। पुत्र को लॉन्च करने जी, तो इसलिए उनकी तैयारी आगामी विधानसभा को देखते हुए वहाँ पर जाकर उनको लॉन्च करने की है। वो अलौली से चाहते हैं कि पुत्र को चुनाव लड़ाएं और स्वागत है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है और लड़ना भी चाहिए। अगर वो चुनाव लड़ते हैं उनके पुत्र तो लोजपा के लिए कितना खतरा होगा? मैं कहता हूं कि 243 सीट पर लड़ने की बात वो कह रहे हैं, पूरे 243 सीट पर वो लड़े, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र में यही खूबसूरती है कि सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सब चुनाव लड़ें और मुद्दों के साथ लड़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए, लोजपा राग के सांसद
राजेश वर्मा हमारे साथ थे, जिन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे नेता चिराग पासवान सर्वोच्च पद पर रहे, बिहार के मुख्यमंत्री बने। और साथ ही उन्होंने पशुपति कुमार पारस पर हमला बोलते हुए कहा कि वो अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं और अलौली सीट से वो चुनाव लड़वाना चाहते हैं। बहरहाल इस खुर में इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।